This will give us clarity on what the concept of Bharatiyata means. Dattaraj Deshpande ji will be giving us about it. Dattaraj ji is a Vedic scholar. He is trained in the oral tradition in the Gurukul way. He is also a researcher, author and a documentary filmmaker. Instead of going to the regular school, during his childhood he travelled across South India, stayed at the homes of several Vedic scholars as their disciple and studied the complete Rig Veda along with the six limbs. His first book was published at his age of 17, and since then he has been doing research and writing columns, books and also making documentary films. He worked as a Vedic teacher. ओंकारः प्रौढमूलः पदक्रमसहितश्छन्द विस्तीर्णशाखैः ऋक्पत्रः सामपुष्पो यजुरधिकमथोऽथर्वगन्धं दधानः यज्ञच्छायासमेतो द्विजमधुपगणैः सेव्यमानः प्रभाते मध्ये सायं त्रिकाले सुचरितचरितः पातु नो वेदवृक्षः। उपस्थित सभी ज्येष्ठों के चरणों में प्रणाम एवं अन्य सभी बंधु भगिनियों को नमस्कार। जैसे कि विषय आप जान रहे हैं कि भारतीयता की संकल्पना। भारत यह शब्द था ही नहीं, या हिंदुस्तान यह शब्द भी था नहीं, यह सब बाद में दिया हुआ है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। और उसको उसके जवाब के रूप में हम बहुत सारे प्रमाण देते आए हैं। किंतु उस दृष्टि को छोड़कर हम वास्तविक रूप से शास्त्रीय दृष्टि को, हम रेस्पॉन्स को छोड़कर हम अपने शास्त्रीय दृष्टि को या पारंपरिक दृष्टि से भारत इस शब्द को देखेंगे, क्योंकि भारतीयता को जानने के लिए भारत क्या है ये इस विषय में थोड़ी बहुत जानकारी होना आवश्यक है, उसके बाद में भारतीयता क्या है ये डिफाइन हो सकता है। तो भारत को शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे तो भासी भायाम वा रतः भारतः, ऐसा उसका बनता है, एटिमोलॉजी बनता है। भासी भाह स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द के सप्तमी विभक्ति भासी बनता है। तो भा क्या है, आपने सुना होगा भास्कर, ऐसा शब्द सुना होगा। तो भाह करोति इति भास्कर, जो प्रकाश का कारक है, भाह यानी प्रकाश, प्रकाश का कारक है वह भास्कर है। प्रभा आभा विभा, ऐसे भा शब्द का जहाँ जहाँ भी प्रयोग होता है वहाँ हम प्रकाश का रेफरेंस को हम देखते हैं, यानी मूल रूप से प्रकाश के अर्थ में भा का प्रयोग होता है। तो ऐसे प्रकाश, यानी प्रकाश किसका द्योतक है, तो सच्चिदानंद, ऐसा जो हम अपने स्वरूप के वर्णन करते समय शास्त्रों में कहा गया है कि मानव का स्वरूप क्या है, सत चित आनंद, ये जो चित स्वरूप है, चित स्वरूप यानी प्रकाशमय, वह प्रकाशमय स्वरूप को पाने में भासी, प्रकाशमय स्वरूप में या प्रकाश में रतः, उसको पाने में जो रत है, निरत है, प्रयत्नशील है, वह भारत है, ऐसा शाब्दिक अर्थ हमें हमारा बनता है। किंतु ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसको हम देखेंगे तो भरतस्य इयम भारतम ऐसा कह सकते हैं, यानी जो भरत का था या जो भरत का है वह भारत है। पहले हमने जो देखा वो आध्यात्मिक अर्थ है, क्योंकि प्रकाशमय आत्मस्वरूप में निरत या प्रकाश में आत्मस्वरूप को प्राप्त करने में निरत साधनारत जो प्रदेश है या जिसकी जिस प्रदेश की संस्कृति है वह भारत है, ये आध्यात्मिक या सांस्कृतिक अर्थ हो गया। किंतु राजनीतिक रूप से या ऐतिहासिक रूप से हम देखेंगे तो भरतस्य इयम भारतम, जो भरत का है वह भारत है, ऐसा अर्थ बनता है। तो भरत कौन है, तो दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतल आप जानते ही हैं, तो उसमें जो दुष्यंत
का बेटा होता है, दुष्यंत एवं शकुंतला का बेटा जो है उसका नाम भरत था। उस भरत ने इस पर राज किया, इसलिए इसका नाम भारत है, ऐसा एक अर्थ आता है। वह सूर्यवंश में था, सूर्यवंश का राजा। चंद्रवंश में और एक राजा थे जो ऋषभदेव, जो जैन मत के प्रथम तीर्थंकर बने ऋषभदेव, उनका ज्येष्ठ पुत्र, उनका बड़ा बेटा, उसका नाम भी भरत था, उसने भी राज किया इस पर। सूर्यवंश में एक भरत, चंद्रवंश में एक भरत, दो भरत चक्रवर्ती हुए यहाँ पर, दो चक्रवर्तियों का नाम भरत था। इसलिए ये कौन सी सूर्यवंश वाले भरत के कारण या भारत कहलाता है या चंद्रवंश के भरत के कारण या भारत कहलाता है पता नहीं। इसमें और डीप में हम जाएंगे तो आप पूजा पाठ में वगैरह संकल्प करते हुए देखे होंगे कि भारतवर्षे भरतखंडे, जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे, ऐसा आप सुने होंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के अलावा और भी नाम है, यानी भारतवर्ष ऐसा भी एक वर्ष है। ये वर्ष क्या है, पूरे भूगोल को हम देखेंगे तो उसमें हरिलावृत वर्ष, भद्राश्व वर्ष, किमपुरुष वर्ष, गंधमान वर्ष, भारतवर्ष, ऐसे नौ वर्ष है, नव वर्षाणाम मध्य भारतवर्ष है। टोटल जियोग्राफिकली हम देखेंगे तो नौ वर्ष है, उनमें भारत एक वर्ष है, भारतवर्ष। उस भारतवर्ष के अंदर भरतखंड, भारतवर्षे भरतखंडे, तो भरतखंड ये अलग है, भारतवर्ष अलग है, ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कब का आइडेंटिटी है, ये कब से ऐसे हम जानते हैं, ये ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी हम कब से जानते हैं, या केवल सांस्कृतिक रूप से हम भारतीय होने के कारण उस खंड का नाम भरत पड़ा या राजा के नाम से पड़ा, ये शोध का विषय है। किंतु ये कितना पुरातन है केवल इतना हम देखेंगे आज। ऋग्वेद सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य है ऐसा कहना है लोगों का, क्योंकि उपलब्धता की दृष्टि से वही पुराना है। किंतु उससे भी पुराना जो उपलब्ध ऋग्वेद है वो पूरा ऋग्वेद है ऐसा हम नहीं मानते हैं। ऋग्वेद के बहुत 21 शाखाएँ थी, उसमें केवल 2-3 शाखाएँ आज उपलब्ध है, इसलिए उससे इससे भी प्राचीन ग्रंथ हो सकते थे या अभी भी है। तो ऐसे ऋग्वेद को ऐतिहासिक रूप से प्राचीन माना जा रहा है, तो ऐसे ऋग्वेद में विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदम भारत अंजनम ऐसा एक मंत्र आता है। तो वहाँ पर भारत यह शब्द वहाँ पर भौगोलिक रूप से प्रस्तावित हुआ है ऋग्वेद में। तो जब वेद में एक मंत्र में सामान्य रूप से एक देश का नाम या एक राष्ट्र का नाम ऐसे आ रहा है तो उससे कई हजारों साल पहले ही वह शब्द प्रयोग में आया होगा, इसलिए वेद में उतने सहजता से उसका प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि ऋग्वेद जितना पुराना है उससे कई हजारों या लाखों वर्ष पुराना यह भारत शब्द है या भारत राष्ट्र, राष्ट्र के आइडेंटिटी जो हम आज जानते हैं यह इतना प्राचीन है, इसलिए हमें यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये कई अभी अभी आधुनिक कुछ लोगों ने या आक्रांताओं ने किसी ने इस नाम को हमारे ऊपर रख दिया, हमने उसको स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं है। ये ऋग्वेद से भी कई हज़ारों एवं लाखों वर्ष पुराना नाम है, वह सांस्कृतिक रूप से अत्यंत सटीक नाम है। तो यहाँ क्या होता है, मूलतः इस देश का या राष्ट्र का मूल स्वभाव क्या है, तो ऐसा हम जानते पूछते हैं तो लोगों का सामान्यतः यह कहना है कि यहाँ की संस्कृति या सनातन संस्कृति या सनातन धर्म, ऐसा हम कहते हैं। तो यह सनातन क्या है, सनातन मौल्य भी कहते हैं, तो सनातन संस्कृति धर्म अथवा मौल्य यह क्या है, सनातन क्या है। तो सना आतनोत, जो पहले से आ रहा है, जो जिसका अंत नहीं होगा वह सनातन है। तो ऐसा कैसा हो सकता है, सभी विषयों का वस्तुओं का जो है आदि अंत होता ही है, अनादि अनंत तो केवल परमात्मा है, ऐसा हमारा समझ है, वह सही है। उसी प्रकार धर्म भी जो है अनादि एवं अनंत है। तो धर्म क्या है, कल ही मुकुल जी कह रहे थे कि मनुष्य के बीच में जो संपर्क है, जो संवेदना है, वह धर्म है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियंच नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः, ऐसा एक बहुत प्रसिद्ध सुभाषित है, बहुत सारे लोग जानते ही है। सत्य बोलना चाहिए, सच कहना चाहिए, किंतु मीठा बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, वो प्रिय होना चाहिए,
न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, जो अप्रिय सत्य है उसे कहना ना चाहिए। प्रियंच नानृतम ब्रूयात, जो प्रिय है वही बोलना चाहिए, न अनृतम, सत्य बोलना चाहिए किंतु वो अप्रिय भी नहीं होना चाहिए, ऐसे उसको परिवर्तित कर बोलना चाहिए, प्रिय लगे ऐसा सत्य बोलना चाहिए, कठोर सत्य नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन, हाँ यह धर्म सनातन है, ऐसा अंतिम पद है इस श्लोक का। यह धर्म ये कब से लागू होता है, कौन से प्रिय, ये 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक लागू होता है या कहाँ कब लागू होता है यह धर्म? यह धर्म तो अनादिकाल से, जब से मानव जीवन इस भूगोल पर है तब से लेकर जब तक इस भूगोल पर मानव जीवन रहेगा तब तक यह धर्म लागू होता है, इसलिए उसका नाम सनातन धर्म है। इसी प्रकार भारत के जीवन के बारे में जो समझ है, उस समझ के द्वारा जो निकली हुई जो पद्धति जीवन या जीवन पद्धति है या जीवन क्रम है, वह शाश्वत सत्य को समझकर तदनुरूप निर्मित होने के कारण उसके प्रतिक्रिया के रूप में हमारे प्रतिक्रिया के रूप में बनी हुई पद्धति होने के कारण या प्रतिक्रिया होने के कारण वह सनातन धर्म कहलाता है। यह तो बाह्य रूप से भारत का भौगोलिक या सामाजिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ और स्थूल रूप से सनातन धर्म इत्यादि का अर्थ तो हो गया, किंतु इससे थोड़ा और भीतर जाएंगे तो भारतीयता की संकल्पना क्या है, इस विषय को हम देखने जाएंगे तो इस पर ज़्यादा हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय शिक्षण मंडल के जो संगठन गढ़े चलो नामक जो पुस्तिका है, उस पुस्तिका में संगठन के विचार नाम के अध्याय में यह 9 बिंदु विस्तृत रूप से वर्णित है जो भारतीयता के संकल्पना को परिपूर्ण बनाते हैं। तो उन्हीं बिंदुओं को आज हम थोड़ा विस्तार से आज यहाँ देखेंगे, उन्हीं बिंदुओं को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। तो उनमें से उन 9 बिंदुओं में से पहला बिंदु यह है कि एकात्म दृष्टि है हमारी। तो एकात्म दृष्टि क्या है? सृष्टि में जो भी होता है वह एक दूसरे से संबद्ध होता है। अभी उदाहरण के लिए यूरोप में कुछ होता है, कुछ घटता है, तो उसका परिणाम हमें यहाँ पर अवश्य होता है। हम उसको महसूस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, हम उतना संवेदनशील है, सेंसिटिव है या नहीं, ये अलग बात है, किंतु उसका परिणाम तो अवश्य होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक तिनके के उगने के लिए भी सारी सृष्टि को कार्य करना पड़ता है। ये तिनका उगने के लिए जो है, हम मिट्टी में एक बीज बोते हैं तो केवल मिट्टी उस बीज को अंकुरित नहीं करता है, मिट्टी के अलावा कई सारे ऐसे तत्व है, कई सारे क्या, पंच महाभूतों का पूरा वहाँ पर संयोग होता है, जिसके कारण वह बीज जो है अंकुरित होता है, वृक्ष होता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है और फलित भी होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक कार्य में सारी सृष्टि कार्य कर रही है, इसको हमें समझना है। तो सृष्टि के विषय में हमारे पौराणिक धारणा क्या है ये देखना पड़ेगा। पौराणिक धारणा ये है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया, विष्णु जी ने सृष्टि का संरक्षण करते हैं, विष्णु जी करते हैं एवं शिव जी जो है इसका संहार करते हैं, सृष्टि स्थिति लय जो है निरंतर चलता रहता है, ऐसा पौराणिक विवरण है। उसके अलावा भी सृष्टि स्थिति लय निग्रह अनुग्रह, निग्रह कौन करता है, शक्ति निग्रह उसकी करती है, अनुग्रह कौन करता है, गणेश जी करते हैं। तो सृष्टि स्थिति लय निग्रह अनुग्रह ब्रह्म विष्णु महेश दुर्गा और गणपति, ये पांचों देवताएं पांच कार्य करते हैं जिसके कारण जो है पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत बने हैं। ये पंच महाभूतों के पांच अधिदेवताएं हैं। अभी एक व्यक्ति का जन्म होना है तो क्या केवल उसमें पृथ्वी का कार्य होगा या फिर आकाश का कार्य होगा या फिर जल का कार्य होगा या केवल ब्रह्मा जी का काम होगा या विष्णु जी का काम होगा क्या केवल गणपति जी का काम होगा, ऐसा नहीं है। ये ब्रह्म विष्णु महेश शक्ति गणपति ये पांचों तत्वों के मूल रूप जो है, मूल स्वरूप जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिसका कोई नाम ही नहीं है, वह क्या है? जिसने ब्रह्मा जी को जन्म दिया, जिसने विष्णु जी को जन्म दिया, जिसने शिव जी को जन्म दिया, वह कौन है?
वह व्यक्ति है या अव्यक्त है, वो जो है वो एक ही है। तो एक के आधार पर ही जो है अनेकता संभव है। तो जब एक कार्य होता है इसलिए उसमें प्रत्येक का इन्वॉल्वमेंट, सहभागिता आवश्यक हो जाती है। इसलिए स्वामी जी का कहना था कि एक तिनके के उगने के लिए भी जो है सारी सृष्टि को अपना कार्य करना पड़ता है। इस जैविक एकत्व का साक्षात्कार ही वास्तविक ज्ञान माना गया है इस देश में। इस एकात्म दृष्टि के कारण ही वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं ना, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले जो व्यक्ति है वे इस वसुधा को ही कुटुंब मानते हैं। तो वह क्यों मानते हैं? वो मानते नहीं है, वो है, उसका साक्षात्कार केवल उनको हुआ होता है। केवल मानने से मात्र हो जाता नहीं है, हमारे मान्यता के अनुसार सृष्टि बदलती नहीं है, वह है, उसका साक्षात्कार हमें करना पड़ता है। जिसको साक्षात्कार हुआ है उसके अनुभव में वह सारा कुटुंब है। इसलिए इस एकात्म दृष्टि के कारण ही वसुधैव कुटुंबकम आदि हमारे लिए संभव है। तो इसका अनुभव हम कैसे करते हैं, यह किसने जाना, कैसे जाना? तो हमें अपने मन के स्वरूप को जानना पड़ेगा। अब हम मुझे यहाँ पर कोई कुछ कांटा चुभता है तो मुझे दर्द होता है, क्योंकि ये जो है इसको मैं मानता हूँ, ये मेरा हाथ, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा मानने के कारण जो है यहाँ हाथ पर कांटा चुभने से मुझे दर्द होता है। समय होने से मुझे बताइए, यदि मैं इस हाथ को मैं अपना नहीं मानता, इससे हाथ से अपने आप को मैं अपने आप को अलग कर लेता भावनात्मक रूप से, इस रेकी इत्यादि में ये होता भी है, उस बाद में उस हाथ को कांटा चुभने से मुझे अनुभव भी नहीं होगा कि मेरा हाथ है। तो ये मैं अपनत्व, मैं हूँ, ऐसा जो मेरा एक दायरा है, एक मेरा कवरेज है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। इसी को हम भाव विस्तार कहते हैं। ये व्यक्ति जो है अपने परिवार तक इसको बढ़ा के रखा हुआ होता है। इसलिए हमारे पिताजी को कोई कुछ कहता है तो हमको दुख होता है या गुस्सा आता है। अरे पिताजी को कुछ कहने से हमको क्यों गुस्सा आना चाहिए? क्योंकि हम पिताजी को हम अपना मानते हैं, अपना अपने अंदर मानते हैं। ये मेरा या अपना तो जो ये जो बाउंड्री हमने खींचा है उस बाउंड्री के अंदर पिताजी आते हैं, इसलिए पिताजी को कोई कुछ कहने से मुझे ही कुछ कहा गया ऐसा लगता है। ये व्यक्ति व्यक्ति से परिवार, ये परिवार से आगे बढ़कर समाज, समाज तक ये विस्तृत हो सकता है। उस समाज से भी आगे बढ़कर ये राष्ट्र तक विस्तृत हो सकता है। इसलिए इस राष्ट्र को कोई कुछ कहता है तो हमें गुस्सा आता है। जब हम राष्ट्रीय अपने आप को राष्ट्र के साथ जोड़ के हम जब मानते हैं, तब जो है कोई कुछ कहता है राष्ट्र के बारे में तो हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम अपने आप को वहाँ तक विस्तृत कर चुके हैं, भावनात्मक विस्तार हमारा वहाँ तक हो चुका है। किंतु क्या ये राष्ट्र तक सीमित रह सकता है या सीमित होना चाहिए? वहाँ से आगे जाके ये सृष्टि तक भी हो सकती है, सृष्टि तक भी विस्तृत हो सकती है। वहाँ से विस्तृत होकर परमेष्ठी तक, परमेष्ठी मैं ही हूँ, ये जो ब्रह्मा जी को जिसने बनाया वो मैं ही हूँ, वहाँ तक जा सकता है। इस यहाँ पर मुझे एक गीत याद आता है। महाराष्ट्र में एक संत हुए मार्तंड माणिक प्रभु महाराज, उन्होंने एक गीत लिखा है, हम असंग चेतन साई जन्म दुख प्रवाह हम असंग नाही, ऐसा गीत है। हम असंग चैतन्य है, ये जन्म दुख इत्यादि ये जो है हमारे साथ होता ही नहीं है, ऐसा उस गीत की पल्लवी है। उसमें एक चरण में एक वाक्य आता है, हम आकाश नित जग को आधारा, हम जो है हम क्या है, हम आकाश है, नित्य है, इस जगत के आधार है, ऐसा मार्तंड माणिक प्रभु कह रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हम जो है आकाश है और नित्य है, जिसका नाश नहीं होता है, और जगत के आधार है। ऐसे पागलपन की बातें कर रहे हो ऐसा अगर कह सकता है कोई जिसको इस बात की समझ नहीं है, किंतु हमें उपनिषद की सहायता लेनी पड़ेगी। उपनिषद में एक वाक्य आता है, तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश संभूतः, वह जो सृष्टिकर्ता है, जो परमात्मा है, उसने क्या किया, आत्मन आकाश संभूतः, अपने आप को आकाश के रूप में परिवर्तित कर लिया। तस्माद्वा एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः, आकाशाद् वायुः, उस आकाश से वायु निकली, वायोरग्निः, वायु से अग्नि निकली, अग्नेरापः,
अग्नि से आप जल निकला, अद्य पृथ्वी, जल से पृथ्वी निकली, पृथिव्या ओषधयः, उस पृथ्वी से औषधि वनस्पति निकले, औषधि भ्योन्नम, उस औषधि वनस्पतियों से अन्न निकला, अन्नात् पुरुषः, उस अन्न से पुरुष निकला। ये पुरुष जो है, पुरुष यानी महिला, लिंग के अलावा भी लिंगातीत रूप से व्यक्ति को हम पुरुष मानते हैं। तो ये जो पुरुष है, इस पुरुष कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये जो हमारे पिताजी ने, माताजी ने जो अन्न खाया, उस अन्न के फलस्वरूप जो है हमारा जन्म हुआ है, अन्नात् पुरुषः, अन्न से। तो इसको रिवर्स में हम जाएंगे, पुरुष का मूल प्रीवियस वर्षन क्या था, अन्न था, उसका प्रीवियस वर्षन क्या था, औषधि वनस्पति थे। ऐसे हम प्रीवियस वर्षन ट्रेस करते जाएंगे तो ओरिजिनल वर्षन क्या था, आकाश का भी ओरिजिनल वर्षन क्या था, परमात्मा था। तो हम आकाश नित जग को आधार, हम आकाश है, नित्य है, जगत के आधार है, उस स्तर तक भी जो है हमारा भाव विस्तार जा सकता है, क्योंकि वह वास्तविकता है, उस वास्तविकता का साक्षात्कार तक हम पहुंच सकते हैं। यह जो है हमारा हृदय के अखंड मंडल विस्तार की संभावना है। इस संभावना को पहचानना भारतीयता के संकल्पना के अंतर्गत एकात्म दृष्टि, इस बिंदु का विषय है। अभी दूसरी बिंदु यह है भारतीयता के संकल्पना में कि विविधता का सम्मान। तो विविधता क्या है, जैसे अभी मैंने बताया पंचमहाभूतों का उदाहरण दिया, ब्रह्म विष्णु महेश इत्यादियों का उदाहरण दिया, जिसके आधारभूत एक ही तत्व है। एक ही तत्व उसके आधारभूत होने के कारण हम विविधता का सम्मान करते हैं। ये तो तात्विक बात हुई, इसको हम लौकिक उदाहरण के रूप से कैसे समझेंगे। उदाहरण के लिए हम पूजा करते हैं, आप सब पूजा करते हैं, पूजा में क्या होता है, गंध समर्पित करते हैं, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये पांच चीज़ें होती हैं पूजा में मुख्यतः। इसी इन्हीं पांच उपचारों को विस्तृत रूप से बहुत सारे सामग्रियों को लाकर, शुचिता के साथ बहुत महंगे वस्तु लाकर, बहुत अच्छे वेद मंत्रों को बोलकर बड़े मंदिरों में आगम शास्त्र के अनुसार पूजा की जाती है। कितनी भी बड़ी पूजा की जाए, कितने भी खर्च की जाए, ये पांच चीज़ें तो उसमें होती ही है। यदि कोई किसान अपने खेत बोने के लिए जा रहा है, हल चलाने के लिए, तो हल चलाने के लिए पहले दिन वो क्या करता है, हल को रख के गाय बैल को वहाँ पर खड़ा करके वहाँ एक छोटी सी पूजा करता है। वहाँ पूजा क्या करता है, अगरबत्ती जलाता है, चंदन चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, कुछ नैवेद्य भोग चढ़ाता है। वहाँ पर क्या हुआ है? तो वहाँ पर भी पूजा हुई, केवल सोफिस्टिकेशन में अंतर आया, किंतु तात्विक रूप से, मूल रूप से दोनों ही पूजा है। वहाँ पर मंत्र बोला गया, आगम शास्त्र के अनुसार किया गया, यहाँ मंत्र नहीं बोला गया, कोई आगम शास्त्र का फॉलो नहीं किया गया। मूल रूप से ये विविधता है, विविधता होने के बावजूद तात्विक रूप से एक है। केवल इतना ही नहीं, एक यज्ञ होते हैं, आप जानते हैं अश्वमेध यज्ञ इत्यादि बड़े बड़े यज्ञों की कहानियाँ हमने सुनी हैं पुराणों में, इतिहासों में। तो अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, अत्रात्र, वाजपेय, पौंडरीक, ऐसे यज्ञ जो होते हैं, इन यज्ञों के फल जो बताए जाते हैं या उस यज्ञ का कॉन्सिक्वेंसेस जो भी है, उसमें क्या होता है, फाइनेंशियली बहुत सारे लोगों को लाभ होता है। जो यज्ञ करता है उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है, और जो यज्ञ करता है उसके समाज में सम्मान बढ़ता है, संपर्क बढ़ते हैं। ऐसे अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के लाभ उस यज्ञ से होते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटी घर में एक गृहिणी जो है, एक 100 रुपये खर्चे में एक सत्यनारायण की पूजा कर रही है। वहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा यज्ञ नहीं हो रहा है, किंतु वहाँ पर भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है। वहाँ पर भी देवता की उपासना हो रही है, अपने अहंकार का त्याग हो रहा है, द्रव्य दान हो रहा है, उपासना हो रही है, यज्ञ में जो हो रहा है सब कुछ यहाँ पर सत्यनारायण पूजा में भी हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सत्यनारायण पूजा जो है ये शास्त्रीय विधि है, जैसे यज्ञ शास्त्रीय विधि है वैसे सत्यनारायण पूजा भी शास्त्रीय विधि है। इसलिए शास्त्रीय विधि के अनुसार पूजा करने के कारण पुण्य तो मिलता ही है, यह एक बात हुई। दूसरी बात यह है, पूजा में जो आए हुए होते हैं उनसे संपर्क बढ़ता है, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा बढ़ती है, इनके घर में सत्यनारायण पूजा होती है, इसे इस प्रकार ये भौतिक लाभ हो गया। इसके अलावा पूजा में उन्होंने दान किया, लोगों को भोजन कराया इत्यादि किया, वहाँ पर जो है अधिदैविक लाभ भी हुआ, आध्यात्मिक लाभ हुआ, अधिभौतिक लाभ भी हुआ। जो यज्ञ में जो हुआ वहाँ यहाँ पर भी हुआ। इसलिए जितना हम यज्ञ का सम्मान करते हैं उतनी छोटी से सत्यनारायण पूजा का भी हम
सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार असम्मान के कारण है ही नहीं, इसके कारण हम प्रत्येक विविधता का हम सम्मान करते हैं। यानी हमारे घर में ऐसा होता है, हमारा ही श्रेष्ठ है, आप हमारे जैसा ही आपको करना चाहिए, नहीं तो आप सम्मान के योग्य नहीं हैं, ऐसा है क्या? इसका कारण यह है कि हम मूल रूप से एक है, इसके कारण जो है विविधता का सम्मान हो जाता है। कोई भी वस्तु, इसका कारण भी यह है कि एक व्यक्ति ने यज्ञ का उदाहरण दिया, एक व्यक्ति ने यज्ञ किया, क्या उस ग्राम में जितने लोग हैं उन सबको वहाँ यज्ञ करना संभव है? क्या उनके लिए आवश्यकता भी है क्या? ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति एक जैसी नहीं होती है। इसके कारण एकता या एक रूपता संभव नहीं है, केवल उसमें एकत्व संभव है। इसके कारण जो है विविधता का सम्मान हमारे यहाँ होता है। पश्चिम में एकत्व के लिए एक रूपता की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए हम अपने घर में केक काट के क्रिसमस मना रहे हैं, आप अपने घर में केक काट के क्रिसमस नहीं मना रहे हो तो आप जो है असम्मान के पात्र हो, क्योंकि आपने हमारे जैसे नहीं किया। एक रूपता जब आएगी तभी आप सम्मान के पात्र होंगे, ऐसी स्थिति है। किंतु भारत में यह समस्या नहीं है, यहाँ पर विविधता का सम्मान होता है। इसका कारण यह है कि विविधता में एकता नहीं अपितु एक ही तत्व का विविध रूपों में प्रकटीकरण होता है, लिंगातीत रूप में। अब हम लिंग के स्तर पर जाके देखेंगे तो एक ही तत्व जिसका लिंग नहीं है, लिंग नहीं है, रूप नहीं है, नाम नहीं है, वह स्त्री एवं पुरुष के रूप में प्रकट हुआ है। तो हम स्त्री पुरुष भेद को मिटाकर आगे जाकर भी देखने में सक्षम हैं भारत में, इसलिए यहाँ पर विविधता का सम्मान होता है। इसमें तीसरी बिंदु यह है कि दिव्यत्व प्रकटन ही जीवन ध्येय, भारतीयता के संकल्पना के संदर्भ में तीसरी बिंदु दिव्यत्व प्रकटन ही जीवन ध्येय है। फिर से मैं स्वामी जी का उदाहरण लूँगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यह है प्रसिद्ध वाक्य स्वामी विवेकानंद जी का, आप सब जानते ही हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, मैंने जैसे कहा अभी आकाश का उदाहरण दिया, जो एक उदाहरण और एक उदाहरण लेते हैं, एक दीपक जल रहा है यहाँ पर और हम एक दूसरा दीपक यहाँ पर लगाएंगे, वहाँ से एक कैंडल लेके उसको जलाएंगे और उस यहाँ पर लाके जलाएंगे। अब ये नया दीपक आ गया यहाँ पर, यह नया दीपक आने से उस पुराने दीपक के प्रकाश में कुछ कमी आई क्या? ये फिर ये कहाँ से आया और इसमें और उसमें अंतर क्या रह गया? अंतर नहीं रहा। उसी प्रकार जिस परमात्मा से या जिस स्रोत से, जिस चैतन्य से हमारा जन्म हुआ है या इस विश्व का प्रकटीकरण हुआ है, उसमें अंतर हो ही नहीं सकता। रॉ मटेरियल में और फाइनल प्रोडक्ट में अंतर हो ही नहीं सकता। शेप में अंतर हो सकता है, नाम में अंतर हो सकता है, क्योंकि अंदर का रॉ मटेरियल जैसा एक होता है, वैसे जिससे हमारा जन्म हुआ है या इस सृष्टि की जन्म हुआ है वह दिव्य है ही। उसमें दिव्यता लाने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रकटीकरण उसका करना है, दिव्यत्व का प्रकटीकरण। जो अंतर्निहित दिव्यता है उसको बाहर लाने के लिए जो आवश्यक क्रिया है उसी को हम शिक्षा मानते हैं, यही जीवन का ध्येय है। तो उस जीवन के ध्येय के परिपूर्ति के लिए जो आवश्यक तैयारी है उसको हम शिक्षा मानते हैं, केवल आजीविका का अर्जन के लिए जो आवश्यक ट्रेनिंग है उसको हम शिक्षा नहीं मानते हैं भारत में। दिव्यत्व प्रकटीकरण ही जीवन का ध्येय, उस जीवन ध्येय के आपूर्ति के लिए शिक्षा। क्योंकि ऋषियों ने ऊर्जा के स्तर पर इस विश्व को जाना, उसके अनुसार, उसके उदाहरण के लिए हम अब कहीं जाते हैं तो हमको ठंड लगता है, तो जब हमको ठंड लगता है तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पर जाने से ठंड लगता है, तो वहाँ पर जो भी जाएगा उसको हम बताते हैं स्वेटर पहन के जाओ, ऐसा हम बताते हैं, क्योंकि वहाँ की स्थिति का अनुभव हमें होने के कारण हम उसके अनुसार अपने जीवन शैली को परिवर्तित कर लेते हैं। उसी तरह ऋषियों ने इस विश्व के वास्तविक स्वरूप को जाना, उन्होंने इसको जाना, इसलिए उन्होंने एक ऐसे कार्य पद्धति, ऐसे जीवन शैली उन्होंने विकसित किया इस धरातल पर या इस भूभाग पर, जिससे उस दिव्यत्व का प्रकटीकरण सहज हो जाए।
इस ऋषियों ने जिस विश्व के स्वरूप को जाना उसमें उन्होंने तीन विशेष बिंदुओं को जाना। वो तीन बिंदु क्या है? उसमें एकत्व। एकत्व क्या है? जगत में कहीं भी कुछ भी होता है तो उसका असर सर्वत्र होता है। इसका उल्लेख पहले भी हो चुका है। आजकल फिजिक्स भी इस बात को जानने लगा है या मानने लगा है कि सभी कण जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक कण के साथ जो होता है वह सभी कणों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे इस साक्षात्कार जिस पर आज का आधुनिक विज्ञान पहुंच रहा है, इस साक्षात्कार को ऋषियों ने किया था, साक्षात्कार ऋषियों को हुआ था, जिसके कारण उन्होंने ऐसे पद्धतियों को विकसित किया जिसका नाम है एकत्व। दूसरी बिंदु है अद्वितीयता। अद्वितीयता यानी प्रत्येक अभिव्यक्ति अद्वितीय होता है एकत्व उसके अंदर होने के बावजूद। जैसे मैंने अभी कहा, एक गांव होता है, गांव में 300 लोग होते हैं, या फिर एक कक्षा होती है, कक्षा में 50 छात्र होते हैं, तो 50 के 50 अलग अलग होते हैं। क्या सभी के अंदर परमेश्वर नहीं है? बिल्कुल है, मगर किंतु सभी एक जैसे हैं क्या? बच्चे एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि अद्वितीयता जो है यह सहज है। एक ही बहुत होने के बावजूद भी यांत्रिक पुनरावृत्ति नहीं है, रिपीटेशन नहीं है। आज के कक्षा में हमको एक छात्र मिला, अब वो पास होकर निकल गया, अब ऐसे ही और एक छात्र उस क्लास में आएगा ऐसे गारंटी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, एक बच्चे जैसा दूसरा बच्चा हो ही नहीं सकता। 7 बिलियन लोग है इस पृथ्वी पर, उन सभी के हाथों को आप देखेंगे तो सभी के हाथ के फिंगरप्रिंट्स जो है अलग अलग है। जितने लोग इस विश्व में आके चले गए उनके भी अलग अलग थे, जो भविष्य में जितने लोग आएंगे उनके सबके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक सृष्टि, एक आकार या एक जीव के जैसा, एक प्रकृति के अभिव्यक्ति के जैसा दूसरे अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। प्रत्येक अभिव्यक्ति यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। यह निसर्ग का ही नियम है। जैसे अंगों के रचना अलग अलग, अभी उदाहरण के लिए मेरे हाथों में 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों के अलग अलग रचना है, अलग अलग स्वरूप है, साइज है, और इन 5 उंगलियों के अलग अलग उद्देश्य भी हैं। अलग अलग उंगली अलग अलग काम के लिए बना है। ऐसे ही अभिव्यक्ति जो होती है वो अलग अलग उद्देश्य के लिए बनी हुई होती है। वो उसके अपने वास्तविक उद्देश्य तक उसको पहुँचाना, ये शिक्षा का उद्देश्य है जो स्वामी जी कह रहे थे। इस कड़ी में तीसरी बिंदु यही है कि यह जैविक संबंध यहाँ पर है। जैविक संबंध यानी भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी जुड़े होने के कारण अपने कार्य कर पाते हैं। भिन्न भिन्न होने के बावजूद, उदाहरण के लिए उंगली का उदाहरण फिर से लेता हूँ, ये 5 उंगली अलग अलग है, अलग अलग काम करते हैं, किंतु ये अंगूठा अगर समझ ले कि मैं अपना काम कर लेता हूँ, अलग से कर लेता हूँ, यहाँ हाथ के साथ जुड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा ये अंगूठा अगर हाथ से कट कर अलग हो जाता है तो वो अंगूठा अपना कार्य नहीं कर पाता है। वो हाथ के साथ बाकी के 4 अंगुलियों के साथ में जुड़ा हुआ है, अलग होने के बावजूद एक साथ होने के कारण ही वो अपना कार्य कर पा रहा है, असरदार है। वो अपना असर तब खोएगा जब वो अलग हो जाएगा। इस प्रकार जैविक संबंध जो सहज रूप से एक दूसरे के साथ संबंध जो है यह स्थापित है। दिव्यत्व प्रकटीकरण के अंतर्गत एकत्व, अद्वितीयता और जैविक संबंध, ये 3 बिंदु है। अब भारतीयता के संकल्पना के अंतर्गत चौथी बिंदु यह ईश्वर निष्ठा। जब हम कुछ भी करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे भारत में उनका अंतिम लक्ष्य जो है ईश्वर प्राप्ति होता है। उदाहरण के लिए कोई भी शास्त्र ले लीजिए, गणित शास्त्र ले लीजिए, गणित जो है क्या करने के लिए कोशिश कर रहा है? ये गिनते जा रहा है। क्यों गिनते जा रहा है? ऋषि जो है आगे बढ़ते जा रहा है, शास्त्र को आगे बढ़ाते जा रहा है। उसको ये जानना है कि जो अगणित है, जिसको गिना नहीं जा सकता, वहाँ तक पहुँचने के लिए इस गणित का मार्ग वो अपना रहा है। उसी प्रकार हम वैशेषिक शास्त्र इत्यादि शास्त्रों को लेंगे, वहाँ पर क्या हो रहा है? पदार्थ विज्ञान, जो पदार्थ का यथार्थ ज्ञान। उदाहरण के लिए ये माइक है, ये माइक क्या है वास्तविक में? ये माइक है ऐसा हम कह रहे हैं, किंतु वास्तविक रूप से ये जो है ये लोहा है, लोहे से बना हुआ है, लोहे अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है। वो कहाँ से आया ऐसा हम ढूंढते जाएंगे, तब जाके हम इसके यथार्थ ज्ञान तक हम पहुँच पाएंगे, यथार्थ पदार्थ ज्ञान।
उस प्रकार ये जो सृष्टि हुई है, ये जो भूमि है, इसका मूल स्वभाव क्या है, ये कहाँ से आया, ये जो जीव है ये कहाँ से आया, इसका स्वभाव कैसा है, ऐसे खोजते 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 ऋषियों ने शास्त्रों का विकास किया। उन सभी का अंतिम लक्ष्य क्या था? हमें कुछ प्रोडक्ट लेके आना है, मार्केट करना है, ऐसा नहीं था। उनका अंतिम लक्ष्य उस शास्त्र के अभिवृद्धि का या डेवलपमेंट ऑफ साइंस का अंतिम लक्ष्य यह था कि हम परमात्मा तक पहुँच जाए, जिसके कारण ये सब हुआ है। तो इस प्रकार केवल शास्त्र ही नहीं, शास्त्रों का विकास ही नहीं, आप नृत्य ले लीजिए, गीत ले लीजिए, हमारे यहाँ संगीत क्या है, संगीत केवल ईश्वर की साधना के लिए ही संगीत है। उसी प्रकार नृत्य जो है ये ईश्वर की उपासना के रूप में ही संगीत है। इस प्रकार जीवन में जो भी होता है, आप वास्तुशास्त्र से लेकर नगर निर्माण शास्त्र से लेकर वैमानिक शास्त्र से लेकर गीत नृत्य इत्यादि कुछ भी ले लीजिए, उन सभी शास्त्रों का, सभी विद्याओं का, सभी कलाओं का या सभी क्रियाओं का, जो गांव में उत्साह त्यौहार इत्यादि जो भी होते हैं, इन सभी का अंतिम लक्ष्य जो है ईश्वर प्राप्ति होती है। यह ईश्वर निष्ठा सर्वत्र विद्यमान है। जो भी सामान्य लोकमत में भी यह है कि राम जी की इच्छा, किसी से हम कुछ पूछते हैं एक ऐसा क्यों हो गया, क्यों कर दिए, तो राम जी की इच्छा थी हमने कर दिया। तो इस प्रकार जो ईश्वर निष्ठा है यह अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ता है भारत के अलावा। पांचवी बिंदु यह है समुत्कर्ष। समुत्कर्ष यानी धर्माधारित विकास, धर्म के आधारित विकास। यानी धर्म यानी क्या, जैसे मैंने कहा संवेदना, एक दूसरे के प्रति संवेदना जो है वह धर्म है। आप सब जानते होंगे कि पंच महायज्ञ नाम की कोई संकल्पना भारत में है, जिसको देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ और ब्रह्मयज्ञ ऐसे कहते हैं। देवयज्ञ क्या है, देवताओं की आहुति देना। पितृयज्ञ यानी पितरों का जीवित रहते हुए उनका उनकी सेवा करना, और मृत्यु के बाद जो है उनके पिंड प्रदान, तर्पण इत्यादि करना, ये पितृयज्ञ है। भूतयज्ञ क्या, पाल्यवर्ग, पोष्यवर्ग, गाय इत्यादि जो है ये पाल्यवर्ग में आता है, कुत्ते, बिल्ली, पक्षी इत्यादि जो है पोष्य वर्ग में आता है। पाल्य और पोष्य जो भूत है पृथ्वी में, उनका पालन पोषण करना, जो गाय को रोटी देते हैं, रोटी देकर ही खाना खाते हैं हम, कुत्ते को कुछ खिला के हम भोजन करते हैं, या पक्षियों को दाना डालते हैं, उनको पानी रखते हैं, ये सब क्या है, ये भूतयज्ञ ही है। देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्ययज्ञ। मनुष्ययज्ञ घर में जो अतिथि आते हैं उनको भोजन खिलाकर ही हम भोजन करना चाहिए, यानी ब्रह्मचारी आया तो भिक्षा देना चाहिए, सन्यासी आना तो आया तो भिक्षा देना चाहिए, जो गृहस्थ का धर्म है। तो ये क्या है, ये मनुष्ययज्ञ है। और अंतिम में ब्रह्मयज्ञ, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, हाँ जो अध्यापन करते हैं वही ब्रह्मयज्ञ, जो हम सीखे हैं उसको दूसरे को सिखाते हैं, ये पंच महा, ये ब्रह्मयज्ञ। तो इस प्रकार पाँच महायज्ञ ये समाज के कुछ ही लोग कर पाते हैं, कुछ ही लोगों के लिए संभव है, ऐसा नहीं है। आप अनपढ़ व्यक्ति को भी देखिए, तो मंदिर में जाता है तो वहाँ पर जो है दान पेटी में कुछ दान डालता है, और पुजारी के जो थाली होती है उसमें कुछ पैसा डालता है और नमस्कार करके आता है। यानी हम जिस मंदिर से हम दर्शन पा रहे हैं, जिससे हम लाभान्वित हो रहे हैं, उसके प्रति हमारा दायित्व है, हमें कुछ देना चाहिए। वहाँ पर वो देवयज्ञ कर रहा है, अब कोई पूजा हो रही है, पूजा में वो अपना हिस्सा देता है। भूतयज्ञ, वो तो ज़्यादा भूतयज्ञ अनपढ़ व्यक्ति ही, किसान व्यक्ति भी करते हैं। उसी तरह मनुष्ययज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ क्या, वो अपना काम जो है दूसरे को सिखाता है। इस प्रकार जैसे पहले कहा था पूजा के विषय में, सोफिस्टिकेशन में अंतर होने के बावजूद सभी पूजा करते हैं, उसी तरह सोफिस्टिकेशन में अंतर होने के बावजूद ये पंच महायज्ञ सर्वत्र होता है। इस प्रकार पंच महायज्ञों के आधार पर सभी को, सभी के कल्याण को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अभी हमें 1 करोड़ रुपए कमाना है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री चलाना है, अमीर बनना है, किंतु उसमें सभी के कल्याण को निहित करके ही आगे बढ़ना है। यह समुत्कर्ष है, यानी धर्माधारित विकास। 5 मिनट्स ओनली, हाँ। और छठी बिंदु है सामूहिक चरित्र या राष्ट्रीयता, सामूहिक चरित्र अथवा राष्ट्रीयता। आप देखेंगे कोई भी वेद मंत्र लेंगे तो उसमें सर्वेषां शांतिर्भवतु ऐसा होता है, शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे, दो पैरों के व्यक्तियों का कल्याण हो, चतुष्पदे चतुष्पदी जीवियों का भी इससे कल्याण हो, द्विपदे यानी वहाँ तक हमारी प्रार्थना है। हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो संपूर्ण राष्ट्र के हित के कल्याण की कामना करते हैं।
हमारा कार्य सीमित हो सकता है किंतु भावना जो है वो राष्ट्रीय होती है। तो सामूहिक चरित्र, हम अपने आप को एक व्यक्ति नहीं मानते हैं, व्यक्ति व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, ये राष्ट्र तक जो है विस्तार संभव है, सरल भी है, वहाँ से आगे परमेष्ठी तक जो है कठिन है, किंतु राष्ट्र तक तो हमारा विस्तार होता ही है, इसलिए राष्ट्रीय चरित्र जो है भारत में सामान्य रूप से देखा जा सकता है। और आठवीं बिंदु है दायित्व बोध। दायित्व बोध में मैं पंचमहायज्ञ के बारे में मैंने पहले ही कह दिया, दायित्व बोध में ये पंचमहायज्ञ आते हैं, जैसे अभी पुजारी मंदिर में दक्षिणा डालने का मैंने कहा, यहाँ पर हमारे यहाँ नियम है साधु के पास या सन्यासी के पास, मंदिर के पास, भगवान के पास जाते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि उस व्यवस्था का परिपोषण जो है वो हमारा दायित्व है। अब कोई ब्रह्मचारी आता है उसको भिक्षा देना चाहिए, सन्यासी आता है उसको भिक्षा देना चाहिए, ये दायित्व। क्यों दायित्व है? हमारा क्यों दायित्व? हमारा उनसे क्या लेना देना? हम अपने घर बाल बच्चों को पोष के बड़ा करेंगे, अपना काम करेंगे, उसको क्यों हमें भिक्षा देना चाहिए? यह धर्म के अंतर्गत दायित्व है। क्यों दायित्व है? क्योंकि विद्या की, विद्या का पोषण जो है समाज को ही करना चाहिए। विद्या का पोषण कैसे हो पाएगा? सन्यासियों के एवं ब्रह्मचारियों के भिक्षा से ही हो पाएगा ना। आज वह व्यवस्था नहीं रही है, किंतु यह दायित्व बोध जो है हमारे यहाँ सर्वत्र विद्यमान है। आज भी जो है, अभी राम मंदिर के लिए इतने सारे लोगों ने इतने पैसा दिया, क्यों देना चाहिए था? उनका दायित्व क्या था उसमें? दायित्व है ऐसा वो मानते हैं, इसलिए उन्होंने दिया। यह दायित्व बोध जो है यह भी भारत की विशेषता है। अंतिम बिंदु यह है, नौवीं बिंदु, शास्त्रीय जीवन दृष्टि। जैसे पहले ही कहा था मैंने, ऋषियों ने इस विश्व के मूल स्वरूप को जानने के क्रम में यह जाना कि जो समग्र विश्व है यह ऊर्जा के रूप में है, ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। ये जो बाह्य स्वरूप है ये ऊर्जा के अतिरिक्त स्वरूप है, किंतु मूल रूप से यह ऊर्जा ही है। इस ऊर्जा के तत्व को हम प्राण कहते हैं। उस प्राण के मूल स्वरूप को, जैसे अभी प्राण विद्या में सुबह में हम कह रहे थे, प्राणस्य इदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं, भूमि, अंतरिक्ष और पाताल, ये तीनों लोकों में जो भी है वह सब प्राण के वश में ही है, ऐसा ऋषियों ने अपना साक्षात्कार में पाया, जिसके कारण उन्होंने एक दृष्टि विकसित की कि प्रत्येक विषय में, प्रत्येक कार्य में उस प्राण के अनुरूप, उस प्राण के स्वरूप के अनुरूप ही हमारा जीवन पद्धति हो। उदाहरण के लिए, हमें ब्राह्मी मुहूर्त में जगना चाहिए, यह वैज्ञानिक बात है, क्योंकि उस समय में प्राण की गति क्या होती है, स्वरूप क्या होता है, हमारे शरीर का हालत क्या होता है, उस समय में जगने से हमारे शरीर को क्या होता है, इन सब को जान, विषयों को जानकर वैज्ञानिक रूप से ब्राह्मी मुहूर्त में जगना चाहिए, ऐसा एक नियम बना। इस प्रकार हमारे जीवन पद्धति में जो भी, संप्रदाय में, आचार में जो भी है, संस्कृति में, वे सारे जो है इस प्राण के आधारभूत, वैज्ञानिक जीवन दृष्टि के आधारभूत ही है, यह वैज्ञानिक दृष्टि है। इस प्रकार एकात्म दृष्टि, विविधता का सम्मान, दिव्यत्व प्रकटन, ईश्वर निष्ठा, समुत्कर्ष, सामूहिक चरित्र, पारिवारिक मूल्य एवं दायित्व बोध, यह नौ बिंदु जो है भारतीय संकल्पना के आधारभूत अंश है। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।